हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डायस्टेसिस रेक्टाई की। सो ये ऐब ओपनिंग होती है जो आप चेक कर सकते हो इन अ पोजीशन इन विच आई एम लेइंग डाउन। आप अपने लेग्स फोल्ड करके, एक्सहेल करके, हेड अप करके अगर आप देखेंगे तो देन यू विल बी एबल टू इंसर्ट सम फिंगर्स बिटवीन योर एब्स। यू विल फील द गैप बिटवीन योर एब्स। इसको क्लोज करने के लिए कुछ सर्टन एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करने वाली हूँ। मेक श्योर आपका पेल्विक जो है टक इन करते हैं और आप अपने बैक को जो है टुवर्ड्स दी ग्राउंड प्रेस करते हैं। सो ये सभी एक्सरसाइजेज जो हैं आपको एब क्लोज करने में हेल्प करेगी, सो दैट जो आपका टमी है आउटसाइड निकला हुआ है, जो अंदर नहीं जा रहा है, उसको क्लोज करने से आपका वो स्टमक भी जो है अंदर जाने लग जाएगा। इस एक्सरसाइज को करेंगे तो यू विल नॉट फील एनी प्रेशर इन योर बैक। अगर आपको बैक पे प्रेशर आ रहा है, इट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग। सो अगेन लेट्स स्टार्ट। यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर टकिंग योर पेल्विक इन एंड यू आर स्लोली ट्राइंग टू टच योर टो ऑन द ग्राउंड, ऑल द वाइल pushing your back into the ground so that the entire pressure, the entire effort is through your abs. And agar aapse pura niche nahi touch kiya ja raha hai, you can just do it in the air initially if you have just delivered a baby. सो इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना चाहते हैं या ग्रीन फ्लैग लेना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू सो। अगेन द सेकेंड एक्सरसाइज, यू हैव टू टक इन योर पेल्विक एंड मेक श्योर कि आपकी एब्स वर्क कर रही हैं एक्सरसाइज को करने के लिए एंड योर कोर इज़ वर्किंग फॉर दिस एक्सरसाइज एंड नॉट योर बॉडी। सो थर्ड एक्सरसाइज जो हम इसके लिए करेंगे वो है ग्लूट ब्रिजेस। Again, you have to tuck your pelvic in and you can increase the interval for which you hold yourself in this position. So, जितनी भी देर आप इसको कर सकें, जितनी भी number of times आप इसको कर सकें, easily आप उसको करेंगे and slowly you can keep progressing. ये exercises जो हैं morning, evening दोनों time आप कर सकते हैं। I hope these exercises will help you in closing the ab opening. And if you like this video and you want more information like this, do subscribe to my channel and also like and share this video. Until next time, bye bye.